नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल HFMQIndia.com पर क्वालिटी टॉपिक में लेकर आया हूँ ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में जो हमने सीरीज चालू की है उसकी तीन सीरीज हमने तीन पार्ट दे दिए हैं और चौथे पार्ट पर आज डिस्कस करेंगे IATF 16949 2016। इसका फर्स्ट एडिशन 1 अक्टूबर 2016 को आया था। चलिए आगे देखते हैं पार्ट फोर। क्यूमएस स्टैंडर्ड सीरीज में स्लाइड कंटेंट जो हमने पहले दिए थे एज पर IATF, वो हमारे पार्ट 1, 2 एंड 3 में टेबल कंटेंट से लेकर के इंट्रोडक्शन यानी पॉइंट 4 सेक्शन तक हमने डिस्कस कर लिया है, शेयर किया हुआ है, लिंक में हम शेयर कर देंगे। आज हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे कि क्लाज यानी स्टार्ट हम करेंगे आज स्कोप से लेकर के टर्म्स एंड डिफिनीशंस तक आज डिस्कस करेंगे इस पार्ट 4 में। चलिए आगे देखते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कि क्लास 1 में स्कोप एज पर ISO 9001:2015 की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्कोप के अंदर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने कस्टमर को से सही समझना बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए दी जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हमेशा सही तरीके से जानकारी ज्ञात होनी चाहिए और सभी नियम अप्लाई करने चाहिए उसके ऊपर, जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पता होना भी जरूरी है। ये स्कोप बोलता है कि आपकी कंपनी या आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है उस प्रोडक्ट को बनाने का, क्या बना रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें प्रयोग की जाने वाली हैं वो जानकारी होनी चाहिए, स्कोप बोलता है। आगे बोलता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अधिक प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, आप कस्टमर सेटिस्फाई हो उसको बेटर आपका क्वालिटी सिस्टम बनाने के लिए कस्टमर की नीड को देखते हुए कार्य करना चाहिए। ये हमारा IATF में ISO द्वारा जो है रिक्वायरमेंट बताई गई है स्कोप की। आगे देखते हैं। सब क्लाज इसी का है कि 1.1 स्कोप में जो ऑटोमोटिव सप्लीमेंट है जो IATF स्पेशल बोलता है कि क्या होनी चाहिए। ऑटोमोटिव क्यूएस स्टैंडर्ड द्वारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, असेंबली, इंस्टॉलेशन आदि को शामिल किया गया है इसमें, जो कि ऑटोमोटिव प्रोडक्ट से संबंधित होते हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट या फिर ज्वाइंट सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि ये नया ऐड किया गया है स्कोप में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। आगे हम और थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सेकंड है कि ऑटोमोटिव क्यूएस स्टैंडर्ड उस ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है जहां पर कस्टमर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट पार्ट्स, सर्विस पार्ट्स और एसेसरीज पार्ट बनते हैं, और ये ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में भी अप्लाई होता है, ये स्कोप में लिखा हुआ है IATF के। क्लास 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंस। ये नॉर्मेटिव रेफरेंस जो है वो ISO 9001:2015 की क्या रिक्वायरमेंट है, नॉर्मेटिव रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, तो इसमें नॉर्मेटिव रेफरेंस में का हिंदी में जो मानक संदर्भ होता है वह एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो सभी तरह के मानक दस्तावेजों को रखा जाता है नॉर्मेटिव रेफरेंस में। ISO 9001:2015 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से फंडामेंटल वोकैबुलरी के बारे में बताया गया है। इसमें जो भी आपके नॉर्मल डिफिनीशंस हैं, सर्टेन वर्ड्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में मदद करता है ये ISO 9001:2015। तो ये नॉर्मेटिव रेफरेंस में ये क्लास में आता है। और 2.1 क्लास आगे देखते हैं। सब क्लास जो इसका 2.1 है नॉर्मेटिव रेफरेंस, नॉर्मेटिव एंड इंफॉर्मेटिव रेफरेंस जो है IATF स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इसमें एनेक्स ए एनेक्स बी दिए गए हैं। एनेक्स ए में जो आपका कंट्रोल प्लान है वो नॉर्मेटिव रेफरेंस बताया गया है, और एनेक्स बी में भी ऑटोमेटिक क्यूएमएस में समझा जाता है कि इसका प्रयोग क्या है, जैसे इसकी लिस्ट ऑफ बुक रिफर्ड रेफरेंस्ड ऑटोमोटिव सप्लीमेंटल के रूप में किया जाता है। तीसरा क्लास है हमारा टर्म्स एंड डिफिनीशंस। एज पर ISO 9001:2015 की क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द टर्म्स एंड डिफिनेशन गिवन इन ISO 9001:2015
2015 में जितनी भी डिफिनेशंस हैं वो इस स्टैंडर्ड में इंक्लूड की गई हैं, दी गई हैं। आईएसओ का जो मुख्य टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें अप्लाई किया जाता है, बताया गया है। सब क्लास इसका 3.1 है जो टर्म्स एंड डिफिनेशंस फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जो इसमें नया इंक्लूड किया गया है और जो चेंज हुआ वो कुछ डिफिनेशंस आपको हम बता देते हैं। जैसे एसेसरीज पार्ट जो हमारे इसमें नए ऐड हुए वो ये हैं कि इसमें वो सभी कंपोनेंट को शामिल किया जाता है जिसका प्रयोग कस्टमर द्वारा किया जाता है जो व्हीकल में मैकेनिकली या इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होते हैं। उसमें वो भी पार्ट्स को शामिल किया गया है जिसमें व्हीकल्स को कस्टमर तक पहुंचने से पहले प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका कस्टमर फ्लोर मैट है, व्हील कवर है, साउंड सिस्टम है, ये सब इसमें एसेसरीज पार्ट में शामिल किया गया और ये IATF के अंतर्गत आते हैं। सब क्लास में 3.1 टर्म्स एंड डिफिनिशंस में आगे देखते हैं, इसमें एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग में बताया गया कि APQP के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में पता चलता है ताकि कस्टमर रिक्वायरमेंट को सही तरीके से पूरा किया जा सके। APQP के माध्यम से हमको एक रिजल्ट प्राप्त हो जाता है जिसके माध्यम से हम प्रोडक्ट को सही तरह से डेवलप कर सकते हैं। APQP के माध्यम से हमको डिजाइन टेस्टिंग, स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्शन प्रोसेस, डिजाइन क्वालिटी इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड, प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, प्रोडक्ट पैकेजिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ऑपरेटर ट्रेनिंग प्लान आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ये नया इसमें ऐड किया गया APQP में IATF के स्टैंडर्ड्स के द्वारा। कस्टमर रिक्वायरमेंट भी इसमें ज्यादा फोकस किया गया है, ऑल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर, जैसे टेक्निकली, कमर्शियल, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस रिलेटेड रिक्वायरमेंट, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसमें जो है कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंटल के रूप में भी इंगित किया गया है स्टैंडर्ड में। अच्छा लगा तो मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लास 4 के बारे में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।